आप लोग को बोला अर्ली स्टार्ट इज नॉट एन ऑप्शन एनीमोर बट अ कंपल्शन। सो दोस्तों पिछले साल आप लोग को याद होगा पेंडेमिक का टाइम आया था, किसी ने सोचा नहीं था उस सिनेरियो से पहले तक इस तरह की जो एजुकेशन थी ना, जो ओलंपियाड एजुकेशन जिसको बोलते हैं, आप सुनते थे कि भाई जेई के अंदर इस बच्चे की टॉप 10 में रैंक आ गई, टॉप 50 में रैंक आई, इस बच्चे ने नाइन्थ क्लास में प्री आरएमओ क्लियर कर दिया, 10th में एनटीएससी क्लियर कर दिया, 11th में केवीबी में टॉप 10 में रैंक आ रही है, फिर जेई में रैंक आ रही है। तो ये जो टॉपर बच्चे थे ना, ये प्रोफाइल लेके चलते थे, 8th 9th में कोटा आ जाते थे, कोटा के इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, 4-5 साल कोटा के इंस्टीट्यूट में पढ़ के खूब इन्होंने फोड़ा। फिर दोस्तों लास्ट ईयर आप लोगों की मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर आप लोग लास्ट ईयर पैंडेमिक सिचुएशन में जो पूरी ऑनलाइन एजुकेशन थी, जो पूरी ऑनलाइन एजुकेशन थी, उसने एक तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया, पूरा डेमोक्रेटाइज कर दिया। डेमोक्रेटाइज करने का मतलब ये होता है कि अब ये एजुकेशन हर एक बच्चे के पास है, राइट। तो ये चीज दोस्तों बहुत ही अमेजिंग चीज हुई। पिछले साल मैंने देखा कि जो रिजल्ट्स थे, खासकर प्री आरएमओ की अगर मैं बात करूं, एनटीएससी एनएससीजीएस की बात करूं, बहुत सारे बच्चे क्योंकि उनके पास ऑफलाइन एजुकेशन अवेलेबल थी भी नहीं और ऑनलाइन से पढ़ के वो लोग सेलेक्ट हुए। तो इस चीज को हमने सोचा कि यार अगर ये चीज है तो क्यों ना बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स किया जाए। भाई ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी है, सबको पता है, एक्सेसिबल है, अच्छी बात है, बट इसमें अगर क्वालिटी का तड़का भी डाल दिया जाए तो बहुत ही अमेजिंग रहेगा। इस सोच के साथ मोशन एजुकेशन ने स्टार्ट किया। क्या चीज चाहिए होती है बच्चे को? एक बहुत सुपर ऑसम अमेजिंग कंटेंट, कुछ ऐसे लेक्चर जिससे उसको इंटरेस्ट आए। घर पे बैठे बैठे इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी होता है। ऐसा स्टडी मटेरियल, ऐसा मतलब वर्कशीट्स वगैरह जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, ऐसी टेस्ट सीरीज जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, और ऐसी टीम के द्वारा जिसका इन एग्जामिनेशन में ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने साथ में जोड़ा और हम लोग आपके लिए लेके आए मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम। तो दोस्तों मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम के बारे में जस्ट अ सेकेंड, पहले हम मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा हमारे जो एमडी है मिस्टर नितिन विजय, आप जानते होंगे एनवी सर को, मतलब मेरे हिसाब से शायद ही कोई बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा, ठीक है। तो इस पैंडेमिक टाइम में कोई भी बच्चा बिना सपनों के ना रहे, ये एनवी सर का मोटो है, ये एनवी सर का मैसेज है। एनवी सर इस चीज में बिलीव करते हैं कि जो भी स्टूडेंट मतलब एक तरीके से कुछ भी थोड़ा सा भी एम्बिशन रखता है, जो ये सोचता है ना, जो मैंने आपको बात बताई ना कि यार कोई ये इतने जो बच्चे हैं, ये जो कोटा में जाके पढ़ाई करते हैं, ये कैसे इतने नंबर ला रहे हैं, कैसे इतने अच्छे क्रेडेंशियल्स रख रहे हैं, तो जो बच्चा इसके लिए क्यूरियस है और इस चीज के लिए कि वो भी ऐसा बच्चा बन सके, मेहनत करना चाहता है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम एस्पिरेशन टू इंस्पिरेशन। भाई बच्चा एस्पायर कर रहा है कि कुछ बहुत बढ़िया करे और वो इंस्पिरेशन बने दूसरे लोगों के लिए, उसके बीच की जो जर्नी घर बैठे बैठे वो कर सके, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है, कोटा आना पॉसिबल नहीं है, हम लोगों ने ये प्रोग्राम फॉर्मुलेट किया। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बट कोटा का जो फ्लेवर है वो मोशन एजुकेशन के साथ है, मोशन एजुकेशन के पास है। और हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स भी रिलीज किए, मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम पहले लॉन्च किया एज अ पायलट, 6-7 महीने से हमारी जो टीम है 50 लोगों से ऊपर की टीम इस पे वर्कआउट कर रही है, सुपर ऑसम एकेडमिक कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगेगा। काफी सारे बच्चे इसके लिए ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, उनके लिए उनका आज बैच लॉन्चिंग डेट था। तो मैं आप लोग को दोस्तों बता देता हूं कि भाई किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों जो भी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं हमें, ठीक है, आपको एक चीज का गाइडेंस देना चाहते हैं, आप लोगों के लिए एक ओरिएंटेशन सेशन है, ठीक है, आप लोगों के लिए एक ओरिएंटेशन सेशन है दोस्तों ये। तो मैं एक एम आप लोगों को देना चाहता हूं, वो सिंगल एम बच्चों ये है कि इस साल का टारगेट फिक्स कर लो यार,
जो बच्चा प्रीआरएमओ करना चाहता है प्रीआरएमओ हो गया, जो बच्चा एनटीएससी करना चाहता है एनटीएससी हो गया, जो बच्चा एनएससीएस करना चाहता है एनएससीएस हो गया, जो बच्चा एनएमटीसी प्राइमरी करना चाहता है एनएमटीसी प्राइमरी हो गया, एनएमटीसी सब जूनियर, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के एग्जाम, मैथ्स ओलंपियाड के अलग अलग जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो टारगेट रखना है लिख लो कि सर ये टारगेट करना है, इसमें रैंक लानी है, इंटरनेशनल रैंक फोड़नी है सर इस बार, है ना। मतलब मजा तभी आएगा जब हम इस थॉट प्रोसेस के साथ जाएंगे कि यार एक टारगेट ले लिया है सर, अब इस टारगेट को पूरा करें। क्योंकि दोस्तों सपने देखना है ना एक बात है ना, अच्छी बात, मगर नींद से उठकर उन सपनों को पूरा करना ये एक दूसरी बात, बिल्कुल अलग बात है। आप ये मान के चलो हर दिन जब आप घर पे बैठे हो ना, जब आप क्लास मतलब आपके सामने कोई टीचर नहीं आपको डांटने वाला, तो आपका दिमाग इधर भटकेगा उधर भटकेगा सब जगह भटकेगा। उस समय केवल आपका लक्ष्य जो आपको दूर दिखेगा वही लक्ष्य आपको अपने रास्ते पर रख सकता है। जब आपको दिखेगा ना 3 महीने मुझे इस एग्जामिनेशन को देना है, उसके लिए इतना पढ़ना है, उसके लिए इतना टेस्ट करना है, उसके लिए इतनी प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए इतने एग्जामिनेशन देने हैं मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम में, तब जाके दोस्तों बात बनेगी। तो सबसे पहले एक सिंगल एम बना लो, चाहो तो अपनी स्टडी टेबल पे उसको लिख के रख दो कि इस बार आईजीएसओ सेलेक्ट करना है, प्रीआरएमओ सेलेक्ट करना है, जो भी टारगेट। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा वो है होमवर्क। होमवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। कोई आप लोग को बोलता है ना भाई यूट्यूब पे मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूं कैसे बिना होमवर्क के कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करें, ये दोस्तों फालतू बात है, शुद्ध फालतू बात बोलता हूं मैं इस चीज को। क्यों मैं बोलता हूं इसको फालतू बात, दोस्तों आप खुद सोच के देखो, लर्निंग का एक कायदा होता है, कायदा मतलब एक प्रोसेस होती है लर्निंग। क्या प्रोसेस है वो? लर्निंग की प्रोसेस ये है कि आप लोग पहले पढ़े, फिर उसको उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर उससे वो टॉपिक आपका अच्छा होगा, फिर आप उसको टेस्ट करें, उस टेस्ट के बेसिस पर आपको पता चलेगा कि क्या गड़बड़ है, उसके ऊपर आप फिर से प्रैक्टिस करें और वो चैप्टर फिर दुरुस्त होगा। इस प्रोसेस को बार बार जब आप करते हैं तब आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर जो 30 चैप्टर आते हैं उन चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ पाते हैं। ये एक प्रोसेस है और स्कूल की एजुकेशन ड्रास्टिकली डिफरेंट होती है। ये प्रोसेस हो सकता है कि शायद आपने कभी की नहीं, हो सकता है कि आप लोग दोस्तों केवल रात में पढ़ के सुबह एग्जाम दे के 95% लाने वाले बच्चे, समझे आप मेरी बात। तो दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि होमवर्क जो भी हम लोग देंगे ना आपको, आप लोगों के लिए वो कंपलसरी, किसी भी और टेक्स्ट बुक से पहले हमारे होमवर्क को आप सबसे पहले करेंगे, ये आपको प्रण लेना है, कसम खानी है। अलग से होमवर्क कॉपी मेंटेन करके होमवर्क करेंगे, प्रण लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों ट्रैकर, ट्रैकर एक ऐसी चीज है जो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर वरदान है। आपको अपना खुद का ट्रैकर बनाना है कि हर एक लेक्चर आपको नोट करना है कि इस लेक्चर में क्या गड़बड़ रही, क्या कैसा रहा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे कि आप अपना खुद का ट्रैकर कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों लेके आऊंगा, राइट। सो मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम के अंदर दोस्तों जो प्रोग्राम्स हम लोग आपको दे रहे हैं, उससे पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं। दोस्तों पिछले 13 साल में जो हमारी पूरी कंबाइंड टीम है, 10,000 से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हम लोग दे चुके हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है, टेक इंटीग्रेटेड है, बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड, जैसे मैंने बोला ऐसे टीचर जो ऑफलाइन के शहंशाह रह चुके हैं वो आप लोग को आके ऑनलाइन में अब पढ़ाने वाले हैं। और हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, स्टूडेंट की वीकनेसेस के हिसाब से हम लोग कस्टमाइज डीपीपीस पे भी वर्क करते हैं। तो अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं, 1100 प्लस सिलेक्शन प्री आरएमओ के अंदर है, 700 प्लस सिलेक्शन एनटीएससी स्टेज वन में है, 100 प्लस एनएससीजेएस सिलेक्शन है, AIR 1 इन एनटीएससी एनएससीजेएस एंड आईएनजेएसओ, और दोस्तों 167 सिलेक्शन इन आईओक्यूएम। इस साल के आईओक्यूएम में दोस्तों मतलब जो मेरे से स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं 167 सिलेक्शन उसमें से बच्चों के आए हैं इस बार दोस्तों, काफी सारे इनमो में भी आए। तो दोस्तों अगर आप लोग के दिमाग में ये चीज है ना, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल चीज बताता हूँ, कुछ बच्चे तो एनरोल हो चुके हैं हमारे साथ, कुछ बच्चे एनरोल नहीं हुए, जो बच्चे एनरोल नहीं हुए इंटरेस्टेड है आप अपने किसी फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हैं। हमारे पास प्रोग्राम जो है 6 से लेकर 10th क्लास तक, 6 से लेकर 8th के अंदर हम लोग मैथ्स और साइंस ओलंपियाड पे फोकस कर रहे हैं, जो प्राइवेट ओलंपियाड होते हैं उसके अंदर दोस्तों ऑनलाइन बेसिक है जिसमें आपको मैथ साइंस मेंटल एबिलिटी मिलता है। ड्यूरेशन वाइज सब्सक्रिप्शन है, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 10,000, 12 मंथ का 15,000, 24 मंथ का 25,000, 36 मंथ का 35,000। फिर उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन प्रो, ऑनलाइन प्रो का मतलब बेसिकली ये कि मैथ्स ओलंपियाड जो होता है ना
जिसमें फिफ्थ सिक्स में एनएमटीसी आता है, सेवन एट में एनएमटीसी आता है, नाइन टेन में प्री आरएमओ आता है, वो इसके अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग मान लीजिए 12 मंथ का ऑनलाइन बेसिक लेते हैं, तो 12 मंथ के ऑनलाइन बेसिक में आप लोगों को, अच्छा ये एक बहुत खतरनाक बात है भाई, अगर तुम अपने आप को तेज मानते हो कि सर हम तो सिक्स के साथ सेवन भी पढ़ना चाहते हैं, एट भी पढ़ना चाहते हैं, भाई साहब सिक्स से लेकर एट के सब्सक्रिप्शन में आपको तीनों क्लास मिलेगी। इसके दो फायदे, अगर आप एट्थ क्लास के हो आपके पुराने पाप है, सिक्स सेवन्थ क्लास के वो आप धो सकते हो, अगर आप सिक्स क्लास में हो आप बहुत शार्प हो सेवन एट का पढ़ना चाहते हो वो भी कर सकते हो, तो दोनों तरीके से आपको बेनिफिट है, और जिस साल में हो आप उसी साल का करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को सिक्स सेवन्थ एट तीनों का कॉन्टेंट दोस्तों ऑनलाइन बेसिक में मिलेगा मैथ साइंस का, मगर जो मैथ्स ओलंपियाड है वो आपको एक्सेस कब मिलेगा, जब आप ऑनलाइन प्रो लेते हैं फॉर अ गिवन मंथ, राइट। फिर अगर मैं बात करूं एनटीएससी मैथ ओलंपियाड, जो बच्चे एनटीएससी देना चाहते हैं साथ में साथ मैथ्स ओलंपियाड करना चाहते हैं, तो केवल एनटीएससी के लिए हमारा 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 20,000 है। 20,000 के अंदर आपको 9th और 10th क्लास दोनों का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, क्योंकि 9th और 10th दोनों का सिलेबस आता है। ऑनलाइन प्रो के अंदर आप लोगों को प्री आरएमओ के लेक्चर्स भी मिलेंगे, मेरे खुद के एक्सक्लूसिव प्री आरएमओ के जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को दोस्तों मिलेंगे इसके अंदर, अगर आप ऑनलाइन प्रो लेते हैं तो ऑनलाइन प्रो जिसने लिया उसको एनटीएससी पूरा मिल गया। एनटीएससी में बहुत खतरनाक टीचर्स हम लोग के पास हैं, मैं हो गया, ठीक है, फिर एमजी सर के भी कुछ लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर, बेला मैम हो गई, अजय सर हो गए, तो बहुत ही बढ़िया जो वेल नोन इंडिया के अंदर है ऐसे लोग आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। तो एनटीएससी में ये हो गया, ऑनलाइन प्रो में प्री आरएमओ के सारे लेक्चर्स दोस्तों मेरे खुद के होंगे, ठीक है, तो मेरे बारे में आप लोगों ने प्री आरएमओ के लिए पढ़ ही रखा होगा, तो आप लोग ये चीज ले सकते हैं। फिर आईजेएसओ प्लस प्री आरएमओ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 9th क्लास 8th क्लास के अंदर होते हैं और आईजेएसओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन है, और ये फी है ऑनलाइन बेसिक 10,000 ऑनलाइन, और इसमें केवल एक ही है क्योंकि इसमें आईजेएसओ प्री आरएमओ दोनों मिलेगा। प्री आरएमओ के जो लेक्चर्स हैं वही हम लोग एनएससीजेएस में यूज करते हैं मैथ्स के अंदर, क्योंकि हमारा ये ओपिनियन है कि दोनों चीजें कवर की जा सकती है एक साथ। इसके अंदर दोस्तों कैच ये है कि आप लोग अगर जैसे मेरा कोड पीजे लाइव है, तो पीजे लाइव कोड अगर आप लोग यूज करेंगे तो आपको इसके अंदर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो और इसके लिए दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल काम है जो आप लोग कर सकते हैं, वो काम ये है कि जैसे ये मैंने कोड बताया आपको, पीजे लाइव कोड है जो आप लोग, जिससे आप लोग को 20% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 25,000 अमाउंट की, ये घट के 20,000 हो जाएगा आप लोग, ठीक है। तो हमारी जो वेबसाइट है वहां पे इसकी सारी डिटेल्स है, आप लोग वहां पे पेमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारी जो ऐप है उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप है हमारी दोस्तों मोशन लर्निंग ऐप, इसको आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये नंबर यार प्लीज आप नोट कर लीजिए 9116126262, राइट। इसको आप लोग पूरा दोस्तों इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए, सारी कुछ भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक डाउट हो रहा था, सर हमारे तो स्कूल ही नहीं चल रहे, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें हम लोग हिंदी इंग्लिश भी पढ़ लें? सर मैथ साइंस सोशल साइंस तो आप पढ़ाए रहे, इंग्लिश हिंदी भी कुछ हो सकता है क्या? तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा एम जी सर को, जो इस बारे में इस ऑप्शन को कैसे यूज किया जा सकता है, और जब अगर मान लीजिए कभी ऑफलाइन खुलता है तो किस तरीके से हम लोग ऑफलाइन भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आपको मुकेश गौर सर बताएं। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी इंपॉर्टेंट बातें बच्चों को बताई हैं, तो उसी में कुछ चीजों को मैं ऐड करना चाहता हूं। जैसे कि सर ने आपको बताया कि अभी का जो टाइम है उस टाइम के अंदर हमें ये सोचना होगा कि हम लोग जो ओलंपियाड्स हैं उन ओलंपियाड्स की तैयारी सबसे अच्छी जगह से कहां से करें। तो अब अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो कहूंगा कि हम लोग उस पर जिस तरीके से मेहनत करते हैं, तो यही कहूंगा कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आज हम लोग ये एप्लीकेशन के थ्रू आपको इसमें पढ़ाना हमने स्टार्ट किया है, आज आपको इसको लेकर हम बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं रिगार्डिंग कि कौन कौन से ऐसे ओलंपियाड्स होते हैं जिनमें आपको आगे बढ़ना है। अब स्कूल को लेकर जैसे कि स्कूल लर्निंग की बात करें, तो अभी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चे इसमें कनेक्टेड हैं हमसे, जो अलग अलग स्टेट्स से होंगे,
तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसके अंदर कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से अभी लॉकडाउन की सिचुएशन आती है. स्कूल्स ऑलमोस्ट मैं ये कहूंगा कि इंडिया के सारे ही बंद हो गए. तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में जो ऑप्शन अवेलेबल होता है वो ऑप्शन बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है जिस पर हम लोग पढ़ाई करते हैं. तो जब ऑनलाइन अभी हमें पढ़ना है तो सबसे बेस्ट तरीके से जो दे रहा है हम उसी से क्यों ना पढ़ें. तो हमारे पास में जो टीम है वो टीम इंडिया की, ऑनलाइन की दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है, मैं ये कहूंगा. हम लोग आप लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी. तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ओलंपियाड्स के साथ साथ ये सोच रहे हो कि सर हमारा स्कूल का जो करिकुलम है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग, एसएसटी की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एडिशनल हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि स्कूल के करिकुलम को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं. साइंस मैथ्स ओलंपियाड्स के अंदर बहुत सारे ऐसे ओलंपियाड्स हैं जो साइंस और मैथ्स में आपको दिख जाते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो उसमें एक या दो ही ओलंपियाड्स हैं जो कि जनरली रहते हैं. तो हम लोगों ने ऐसा आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें हम लोगों ने सब सब्जेक्ट्स के ओलंपियाड्स तो कवर किए ही सही, साथ में हम लोग आपके लिए इसमें एडिशनली एक ऐसे ही बैच को इसमें लेके आए हैं जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट अलोंग विद साइंस मैथ्स एसएसटी मेंटल एबिलिटी इन सबके साथ में होगा. और इनकी जो स्टडी आप लोगों को करवाई जाएगी वो भी इंडिया के टॉप टीचर्स हैं जो कि आप लोगों के लिए उसी एक्सीलेंस पे काम कर रहे हैं जिस पर हम लोग हमारा साइंस मैथ्स का ओलंपियाड वाला जो मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम है उस पर काम कर रहे हैं. तो वो भी हम आप लोगों के लिए इस पर लेके आए हैं. साथ में आपको कुछ और चीजें मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, चाहे आप PRMO की बात कर रहे हैं, चाहे आप NMTC की बात कर रहे हैं, या आप ISO NTSC की बात करते हैं, तो जो टीम हम लोगों के साथ में अभी काम कर रही है, जो आप लोगों को इसके लिए पढ़ाएगी, वो एक ऐसी टीम है जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रिजल्ट के बेसिस पर मतलब इंडिया में सबसे बेस्ट है. पीजे सर मतलब आज हमारे साथ में है, जुड़े हुए हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं, वो ही ये सारी चीजें लेके आए हैं. और पीजे सर PRMO की दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो अगर PRMO को सोचता होगा कि मेरे करियर के अंदर मैं PRMO को क्वालिफाई करूं तो, और वो पीजे सर को ना देखे या पीजे सर से ना पढ़े. उसी तरीके से हम लोग NTSC की बात कर रहे हैं या ISO की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमारे पास में ऐसी टॉप टीम है जो ऑफलाइन में और साथ में ऑनलाइन में दोनों के अंदर ही बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और उनके जो पास रिजल्ट्स हैं वो सबसे बेस्ट भी रहे हैं. तो जो कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपने ओलंपियाड चूज कर लिया, आपने मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम ले लिया, अब आप इसके अंदर चाहते हो कि नहीं सर मुझे तो हिंदी इंग्लिश भी साथ में पढ़ना है, या आगे जाके अगर ऑफलाइन में कोटा आना चाहता हूँ या मैं कोटा में ही रहता हूँ तो मैं उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी आप लोगों के पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि जब तक आपका ऑनलाइन चल रहा है आप उस ऑनलाइन उस प्रोग्राम को देखिए, उसमें आपको साइंस मैथ्स SST मेंटल एबिलिटी हिंदी इंग्लिश ये सारी चीजें मिलेंगी सही. अगर आप उसको ऑनलाइन रखना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन भी रहेगा, और आगे जाके अगर आप ऑफलाइन कोटा में आना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो भी वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा. तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली जो हम लोग इस प्रोग्राम में लेके आए हैं. मैं सर से कहूंगा कि सर एक बार आगे का आप इसके अंदर इनको प्रोसेस समझाइए कि किस तरीके से ये एनरोल इसके अंदर हुए हैं, आगे क्या करें, ये सारी चीजें एक बार. सो देखिए, अगर जैसे मैं आपको बताऊं, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप लोग दोस्तों मोशन की वेबसाइट से यहाँ पे जाते हैं, अगर आप लोग मान लीजिए इनरोल करना चाहते हैं, तो मैं आपको मतलब जो स्टेप्स हैं वो डेफिनेटली बता सकता हूँ जो स्टेप्स आएंगी. तो ये देखिए मोशन की वेबसाइट है जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है. तो मोशन की वेबसाइट पे जाते ही आप लोग अगर नीचे आए तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे जो बैचेस हैं वो लिस्टेड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं.
तो यहाँ पे मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम आप लोग देख रहे होंगे, इस पे मोर पे क्लिक कीजिए आप लोग। ये एक लैंडिंग पेज है, यहाँ पे आप अपनी इंक्वायरी भी डाल सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आप लोगों तक पहुंचेगी, आप लोगों को सारी चीजें बताएंगी, पूरा सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों। अगर कोई बच्चा केवल मैथ्स ओलंपियाड के लिए पढ़ना चाहता है, जैसे मान लीजिए वो मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम में मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई प्रियार में पढ़ा दो सर आप, तो आप लोग सीधा मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम पे क्लिक कर सकते हैं, वरना यहाँ पे पूरा सारा प्रोसेस है। तो आप लोग अगर जाते हैं तो भाई जैसे फी पेमेंट पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं, आपका जो भी मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम का आएगा, आप बेसिक आपने चूज कर लिया सब्सक्रिप्शन का, 6 मंथ या 12 मंथ आपने किया, और फिर आप लोग यहाँ पे कोड डाल सकते हैं। जैसे आपने ये कोड डाला, अप्लाई कूपन किया, तो ये जो अमाउंट है ये आपका देखिए घट के 16,000 हो गया। तो 20% का डिस्काउंट आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आए आप लोग कॉल कर सकते हैं दोस्तों, नंबर हम लोगों ने आपको दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, जो नंबर मैंने आप लोगों को लिखवाया था, जो 911 वाला जो अभी नंबर था वो आप लोग ने नोट कर लिया होगा। सो यही प्रोसेस है दोस्तों, और हर 14 डेज में हम लोग नए बैचेस लेके आएंगे आपके लिए। तो पहला बैच 21 तारीख को स्टार्ट हुआ है, कल से दोस्तों पढ़ाई करनी है, और बिल्कुल एक एम लेके चलना है, इस चीज को आप लोग दोस्तों बस ध्यान रखिए, और बाकी हम लोग आपसे रेगुलर मीटिंग करते रहेंगे। ये सेशन आप लोग के ओरिएंटेशन के लिए था, आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई। किसी भी चीज में कोई दिक्कत आए, ऐप से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया है जिसमें कुछ पंचोली सर हैं जो आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे, बाकी आपको एक नंबर अभी दिया ही गया है, तो कोई भी दिक्कत आए आप लोग वहां पे कॉल कर सकते हैं। सो आई थिंक सर यही मेरी तरफ से लास्ट मैसेज है बच्चों को कि भाई इस पैंडेमिक पे जिस तरह से पिछली बार थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड हो गया मामला, पहली बार था थोड़ा समय वेस्ट हो गया, इस बार दोस्तों समय वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अर्ली स्टार्ट अब ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन है। आप नहीं कर रहे हो, हजारों बच्चे कर रहे हैं, अगर ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि यही हजारों बच्चे आपके साथ आगे जाके एग्जाम देंगे, तो आप लोगों के लिए भी अब ये कंपल्शन हो गया। एम जी सर आप कुछ लास्ट में वर्ड्स कहना चाहेंगे? आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें कह दी हैं सर, मैं बस यही कहूंगा कि जल्दी से बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे वो मोशन जो लर्निंग ऐप है हमारी उसको इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर पे जाएंगे, मोशन लर्निंग ऐप देखेंगे, वहां से इंस्टॉल करेंगे, हमारा जो भी आपकी क्लास है वो क्लास सिलेक्ट करेंगे, और हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं उसके बाद में आप लोगों के इसके लिए एनरोल कर दिया जाएगा, और कल से हम लोग आप लोगों को ये क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू एंड वेलकम टू मोशन।